बताइए कि मतलब जो रॉक्सी स्टूडियो है उसके बारे में तो अब स्टूडियो यहाँ पे क्यों आ गया? रॉक्सी स्टूडियो के बारे में तो हमने देखा था, अब ये नया जो वेंचर आप लोगों ने स्टार्ट किया है उसके बारे में कुछ बताइए हमारी जनता को कि क्या है, और मैंने नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है मियाओ, अगर थोड़ा सा बताए उसके बारे में आप लोग। सी दिस इज मियाओ का मतलब है कि दिस इज ऑल अबाउट कैट्स मेनली। तो अभी क्या है कि यहाँ पे पर्पस ये नहीं है कि हम लोगों को कैट सेल करना है, पर्पस ये है टू गाइड पीपल हाउ टू टेक केयर ऑफ देम। सो ये चीज़ है कि यहाँ पे लोग कैट खरीद लेते हैं एंड देन आफ्टर दैट उनको ये नहीं पता रहता है कि उसको मेंटेन कैसे करना है, कैसे रखना है घर पे, कैसे पालना है। सो फॉर दैट वी ओपन दिस शॉप कि लोग यहाँ पे आए और अपना गाइडेंस यहाँ से ले कि कैट को कैसे रखना है। क्योंकि हम लोगों को ये लगता है कि कैट लेके जाओ फिर दो चार दिन रख नहीं पाओ तो फिर लेके वापस कर दो कि नहीं मुझे कैट नहीं रखना है, ये हो रहा है, ये डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसे हो रहा है वैसे। अभी पहले से ही गाइड ले लो कि कैट को कैसे टेक केयर करना है, कैसे रखना है, देन यू थिंक कि उसको अडॉप्ट करना है कि नहीं करना है, फिर आप लोग। हम लोगों का मेन पर्पस ये है कि कोई भी एनिमल्स आप ले रहे हो तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो अबाउट दैट एनिमल, आपको उसके बारे में बहुत अच्छे से जानना है, उसके गाइडेंस चाहिए आपको। आपको ये नहीं पता होता है कि उसको क्या खिलाना है, ये नहीं पता होता है कि आपको वैक्सीन कब करना है, उसको क्यों वैक्सीन करना है, व्हाई ऑल दीज आर वेरी नेसेसरी, ये सब नहीं पता होता है। आप लेके चले जाते हो, अडॉप्ट कर लेते हो। आई थिंक दैट इज़ नॉट राइट। फर्स्ट यू शुड लर्न अबाउट इट एंड देन यू टेक समथिंग। आप बताइए सर, कैसे सोचा आपने कि इस तरह का एक इनिशिएटिव में कहूँगा कि शुरू करने की? सबसे पहले तो ये था पैसन, हम घर में पालते थे, फिर भाई साहब आया हमारे ज़िंदगी में फिर जो हुआ वैसे ही चला गया। तो सबसे बेटर है ये वाला सवाल मेरे से नहीं, इनसे पूछना बेटर रहेगा। तो आप बताइए कि कैसे आपके दिमाग में आया कि इनको इस इनिशिएटिव में शामिल किया जाए? बेसिकली ना हम लोग को ऐसा है कि पेट इंडस्ट्रीज को चेंज करना है, जैसे भी जितने भी शॉप है या कोई भी सो एंड सो जितने पेट लवर है, तो बेसिक गाइडेंस किसी के पास ज़्यादा नहीं है। जो लोग जैसे रखते भी हैं तो एक छोटे से केज में रखेंगे उसी में है, और वही चीज़ वो फॉलो करते हैं, पेट पेरेंट्स भी वही फॉलो करते रही कि जैसे शॉप वाला रख रहा है वही तरीके से रख रहा है। तो हम लोग को बेसिक जो है वो पेट इंडस्ट्री पूरी चेंज करना, एक्वेरियम से लेके पेट इंडस्ट्री से जितने भी डॉग्स कैट्स पैरेट्स एक्जॉटिक एनिमल्स हैं, इवन दो रेप्टाइल्स है, जिसको अवेयरनेस नहीं है उसको अवेयरनेस देना है, ये मेन मोटो है हमारा। तो जैसे ही आउटलेट आउटलेट खोलते रहेंगे सर की बदौलत, और सबको एक प्रॉपर गाइडेंस देंगे, जैसा ये मियाओ का आउटलेट है, एक डॉग के लिए भी एक स्पेसिफिक आउटलेट खोलेंगे, बर्ड्स के लिए खोलेंगे, सेशन वाइज करना है जिसमें पूरी गाइडेंस होनी चाहिए हर एक लोगों को। आप लोगों के थ्रू जितने लोगों को भी मैसेज मिलता है तो वो हमारे लिए अच्छा है, अच्छा है कि जितना इवन हमसे भी ज्यादा अच्छा है उन लोगों के लिए जिनको पेट्स रखना है घर पे। या एक्चुअली नॉलेज बहुत जरूरी है। ऑल्सो हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारा फूड और सब कुछ है, तो क्या उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी कि कौन से टाइम पे कौन सा खाना खिलाना है, और बीमार जब पड़ते हैं तो उनके लिए क्या मेडिसिन देनी है, अगर उस बारे में भी आप लोगों में से जो भी हो शेयर करना चाहेंगे? टाइमिंग टेबल के हिसाब से ही सब कुछ होता है, लाइक सबका एक हर एक पेट्स का अलग अलग टाइमिंग होता है। तो जितने भी हमारे यहाँ पे एम्प्लॉय स्टाफ जितने भी वो पहले सबके सब लाइक सबको एक एक चीज़ का नॉलेज है, हर एक बंदा अलग चीज़ के लिए अलग अपॉइंटेड है। यहाँ पर कैट्स के लिए कैट एक्सपर्ट है, डॉग्स के लिए ग्रूमर जो है वो ग्रूमर के लिए एक्सपर्ट्स है। तो हम लोग कभी भी मर्ज नहीं करते, लाइक अगर कोई भी पेट पेरेंट आता है जिसको कैट चाहिए तो उनको बाकायदा प्रॉपर नॉलेज मिलता है, डे टाइम से लेके उनका फूड का कैसा होगा, मेडिकेशन कैसे होंगे, वैक्सीनेशंस कैसे होंगे, राइट। तो हर एक चीज़ का सेम डॉग में भी होता है, टाइम टेबल के हिसाब से उनका लीडर ट्रेनिंग बॉडी ट्रेनिंग से लेके डॉग ट्रेनर प्रोवाइड्स करते हैं हम लोग। सो एवरी ईच एंड एवरी थिंग फूड पेट फूड से लेके टिल मेडिकेशन वाला एवरी थिंग वी डू। आप दोनों से जानना चाहूँगा, जैसे शाहरुख को बहुत अच्छा नॉलेज है इस चीज़ का, तो ऐसी कोई जैसे आपने कहा कि आपका पैशन था पहले, ही इज द इंस्पिरेशन राइट, और तो ऐसी कोई चीज़ है जो आपको पता चली हो, नई चीज़ पता चली हो पेट्स के बारे में, अगर उस बारे में बताएं जो शाहरुख ने बताया आप लोगों को? बेसिकली देखो ये जो दोनों है ना, तो ये बहुत बड़े पेट लवर है, लाइक मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट में मैंने देखा है तो इनसे बड़ा पेट लवर मैंने देखा है।
इवन तो इनके घर पे अभी भी डॉग है, कैट है, रैबिट है, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, और सब ऐसे घूमते हैं ना जैसे पॉसिबिलिटी नहीं है। बहुत से लोगों में होता है कि कैट, डॉग, माउस साथ में नहीं रहता, बट इनके घर पे आप देखोगे तो सब एक साथ घूम रहे हैं। इवन उन्होंने चैनल पे डाला है, वो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी डाला हुआ है वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप रखोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा पेट किस घर में रहता है, यहाँ सब होता है, बट रखने का वो तरीका होना चाहिए, उनको स्पेस देते हैं वो लोग। एग्जैक्टली, लोग बोलते बड़ा पेट लवर तो मैंने नहीं देखा है। लोग बोलते हैं कैट एंड डॉग्स एक साथ नहीं रह सकते, बट दिस इज एकदम, इट्स अ रॉन्ग थिंग। कैट एंड डॉग एक साथ रह सकते हैं अगर उसको आप अच्छी तरह से उसको ट्रेन करो। कैट को भी ट्रेन करो कि डॉग के साथ कैसे रहना है, डॉग को भी ट्रेन करो कि कैट के साथ कैसे रहना है। दे कैन स्टे टुगेदर, दे कैन लिव टुगेदर, दे प्ले टुगेदर, दे स्लीप टुगेदर। सो इतना नॉट ओनली कैट डॉग, रिप्टाइल्स भी, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी पेट्स। रिप्टाइल में अब चले जाओ, इगुआना, आज के टाइम पाइथन एंड ऑल, ऑल आर फ्रेंडली। मेरा डॉग तो पाइथन के साथ खेलता है। सर 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 आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे जो पूरी टीम है उनको? ये जैसा टीम है ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, शाहरुख बोला है पहले ही, और हम लोगों का ये मोटो है और इसको बढ़ाना है, और एक शॉप लेना है पार्ट्स के लिए, और एक शॉप लेना है ग्रूमिंग के लिए, और एग्जीक्यूटिव जो जानवर है उसके लिए भी एक शॉप, और एक चीज है क्लिनिक भी हो। यहाँ पे डॉक्टर साहब भी है, डॉक्टर साहब को हम लोग रिक्वेस्ट भी कर चुके हैं, जितना जल्दी डॉक्टर साहब डन बोल देगा हम लोग 24/7 क्लिनिक लेके भी आ रहे हैं बहुत जल्दी स्पिट्स एंड पब्स के बैनर के अंडर में। तो और क्या क्या प्लान किया है, और कौन से एनिमल्स के लिए आप लोग ये इनिशिएटिव ले रहे हैं? अभी ऑलरेडी हम लोगों का एक एक्वेरियम है, एक्वेरियम शॉप है, जहाँ पे बहुत से फिशेज हैं, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेज हैं, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी गुड पेट। और ऐसा लोगों का मानना है कि फिशेस को इमोशंस नहीं होते हैं, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। फिशेस को भी इमोशंस होते हैं। इफ़ यू कीप अ फिश एट होम, आप देखोगे कि जब आप उसके पास जाओगे ना, दे कम टू अस, ओके। जब आप दो दिन के लिए घर छोड़ के जाओगे ना, दे विल बी वेरी सैड, और वो भी टेंशन में आ जाती है कि ये लोग कहाँ गए, कब आएंगे, और फिर फिशेस के कलर चेंज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट, स्ट्रेस में आ जाते हैं। फिर आप जब आओगे घर पे तो इमीडिएटली आप देखोगे दे आर प्लेइंग, लाइक वो आपको देख के खुश हो रहे हैं। तो फिशेस के भी इमोशंस होते हैं, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो इसके लिए एक एक्वेरियम है ऑलरेडी, जस्ट यहाँ से 2 कदम आगे ही है, और वहाँ पे अभी मैंने बहुत सारे वेराइटीज़ रखे हैं, बट एक्वेरियम में जगह अभी बहुत कम हो गया है। तो वी आर थिंकिंग टू ओपन वन मोर एक्वेरियम जिसमें एक्जॉटिक फिशेस रहेंगे जो बाहर से आएंगे, एंड दैट विल बी डिफरेंट थिंग। और बाकी और क्या क्या प्लानिंग है शाहरुख डिटेल में बोल सकता है? आप लोगों की दुआ और सपोर्ट रहेगा तो yes, बहुत वास्ट करेंगे, तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ऑल्सो जैसे शर्मिष्ठा जी ने कहा कि जब यहाँ पर आएंगे पूरी नॉलेज मिलती है, उसके बाद अगर समझो कि वो उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है लेके जाने के बाद, तो उसके बाद आप लोग कैसे उनको गाइड करेंगे या फिर कैसे? इतना प्रॉपरली लाइक उनको गाइडेंस मिल जाता है कि, क्योंकि जैसे सबसे पहले जब हमारे पास में कोई भी पेट आता है, लाइक अभी जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कैट का जो भी एनक्लोजर यहाँ पे बनाया हुआ है, तो हम डायरेक्टली कोई भी कैट को यहाँ पे नहीं डालते हैं। पहले हम लोग करते हैं उनको क्वारंटीन सेशन में रखते हैं, 3-4 डेज का क्वारंटीन होता है, फिर हमारे डॉक्टर हैं उनके साथ में हम चेकअप कराते हैं, एंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर इन मेरा बैंगलोर हमारी नज़र में। तो यही है कि जितने भी हम लोग देख रहे हैं वो बेस्ट कैट्स का, हम लोग सबका ट्रीटमेंट प्रॉपरली, ट्रीटमेंट होने के बाद ही वहाँ पे आता है। तो सारे पेट्स बहुत एक्टिव, हेल्दी वगैरह रहते हैं, तो कोई भी इशू नहीं आता पेट पेरेंट को। इन केस अगर आगे उनको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम वैसे डील करते हैं कि उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन पूरा 100% होना चाहिए। इफ़ दे आर नॉट कम्फर्टेबल विद दैट पेट, सो हम चेंज करेंगे, या तो उनको ऐसे कंफर्ट जोन बनेंगे कि वो कौन से पेट्स के साथ में है। क्योंकि बेसिकली आज के तारीख में हर कोई इंसान को, एक फैमिली को तो चाहिए पेट, कोई भी हो, बर्ड हो, कैट हो, डॉग हो। लाइक अभी डॉग है तो बहुत सारे लोग हैं जो पूरा दिन नहीं रख सकते घर में, जैसे होता है प्रॉब्लम आता है, तो उनके लिए भी बहुत सारे अलग अलग पेट्स है जो रख सकते हैं। इवन तो माउस पूरा दिन बना देता है लोगों का, वाइट माउस होते हैं, छोटे छोटे हैमस्टर्स होते हैं,
होता है, पेट नेसेसरी है ऐसा है। तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही हम लोग आगे डिस्कस करके ही सेल करते हैं, ऐसा नहीं लाइक कोई भी आ रहा तो हम सेल कर रहे हैं, नॉट फॉर सेलिंग सिस्टम, नॉलेज सिस्टम के लिए ये इंडस्ट्री में जंप करवा इवन हम लोग रॉक्सी स्टूडियो से यहाँ पे इवन हम लोगों को अगर कभी लगता है कि जो ले रहे हैं कैट या डॉग जो भी ले रहे हैं ही डजंट नो एनीथिंग, तो हम लोग पहले ही उनको सेल नहीं कर देते हैं, उनको समझाते हैं, दो चार दिन पाँच दिन लग जाता है लेकिन उनको समझाने के बाद ही उनके घर पे हम डिलीवरी करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इन लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो आगे चल के। तो हम थोड़ा देख लेते हैं कि उनको कितना नॉलेज है कितना नहीं है, एकदम ज़ीरो नॉलेज हुआ तो हम प्रोवाइड करते हैं, उनको बताते हैं कि यू शुड स्टडी लिटिल बिट अबाउट इट, फिर आप लो, क्योंकि आप पहले ही से ही लेके चले जाओगे तो घर पे फिर आपके लिए वो बर्डन हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। लास्टली कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं आप लोगों को, स्पेशली जो पेट लवर्स आप लोगों को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? मैं उनके लिए यही बोलूँगी, हम लोग सब बोलेंगे कि पेट को पेट के नज़र से मत देखो, अपने बच्चे के नज़र से देखो, तब पता चलेगा कि वो कितने प्यारे हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।